हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विप्रोटेक डिजिटल में। जैसे कि आपने पीछे वीडियो में देखा था कि हम किस तरीके से डिजाइनिंग करते हैं बूटस्ट्रैप की हेल्प से अपने पेज की, तो आगे चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस के बारे में कि देखो जेंगो में, फ्रेंड्स आपको पता है कि डेटाबेस ऑलरेडी हमारे पास दिया जाता है। DB SQL 3 के अंदर हम काम करते हैं और डेटाबेस के साथ आप ऑलरेडी वर्क कर, मतलब डेटाबेस जो है कंबाइन है, तो आपको अलग से डेटाबेस कोई भी यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। तो आपने क्या करना होता है, जैसे सर्वर मेरा रन है तो मैं इसको यहाँ पे कट कर देती हूँ, ब्रेक कर देती हूँ सर्वर को। तो डेटाबेस के अंदर जाने के लिए जैसे कि मैं आपको अगर दिखाऊँ, तो आप url.py फाइल के अंदर अगर जाते हैं अपने url.py फाइल के अंदर, तो यहाँ पे आपको दो पाथ ऑलरेडी गिवन होते हैं। एक हम जो पाथ खुद बनाते हैं वो, और एक पाथ आपको एडमिन का पाथ दिया गया है। ठीक है, एडमिन का पाथ जो है वो आपको डेटाबेस के अंदर लेके जाता है आपके पाइथन के। अब जैसे अगर मैं यहाँ पे इस सर्वर को चला के आपको दिखा देती हूँ, अब सर्वर को अगर मैं चला के यहाँ पे दिखाऊँ आपको और आपके प्रोजेक्ट, मैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर चलती हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर हम होम के पेज के ऊपर हैं। अगर मैं होम को हटा के यहाँ पे लिख दूँ एडमिन, तो मैं किसके अंदर आ जाऊँगी, अपने एडमिन पेज के अंदर आ जाऊँगी, अपने एडमिन डेटाबेस पेज के अंदर आ जाऊँगी। तो जेंगो एडमिनिस्ट्रेटर खुद अपना जो जेंगो एडमिन पेज है वो आपको प्रोवाइड करके देता है। अब इसका यूजर नेम और पासवर्ड क्या है, अब यूजर नेम और पासवर्ड जो है वो हमें नहीं पता, हमें सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं कमांड्स का, तो हम कमांड यूज करते हैं उसके लिए यूजर नेम और आपके पासवर्ड सेट करने के लिए। तो उसके लिए कमांड क्या है, कमांड है आपकी, आपने यहाँ पे लिखना है पाइथन manage.py। जैसे आप पाइथन manage.py करके एंटर करोगे तो आपके पास कमांड, ये जो कमांड्स हैं आपकी जेंगो की, वो सारी कमांड की लिस्ट आ जाएगी। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सारी लिस्ट आ गई आपके पास, जितनी भी कमांड्स हैं और सब कमांड्स हैं। तो auth के अंदर अगर मैं जाऊँ तो auth के अंदर हमारे पास चेंज पासवर्ड और क्रिएट सुपर यूजर दो कमांड आपको गिवन है। तो चेंज पासवर्ड, अगर आपने चेंज करना है पासवर्ड को, और अगर आपने करना है क्रिएट सुपर यूजर, यानी कि अगर आपने यूजर नेम और पासवर्ड सेट करना होता है तो आप कमांड देते हैं क्रिएट सुपर यूजर। तो आपने यही कमांड देनी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करेंगे और ये जो है आपने जाना है पाइथन, लिखना है यहाँ पे manage.py और पेस्ट कर देनी है क्रिएट सुपर यूजर कमांड, एंटर करेंगे। और यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, यूजर नेम, मतलब कि आपने, आप यहाँ पे यूजर नेम लिखना है, तो मैं यूजर नेम लिख देती हूँ एडमिन। और ईमेल आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं और इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, तो इसको मैं ब्लैंक छोड़ देती हूँ। बाद में भी आप सेट कर सकते हो एडमिन पेज पे जाके ईमेल को। पासवर्ड आपको देना कंपल्सरी है, पासवर्ड आप दे देंगे, यहाँ पे पासवर्ड शो नहीं होगा आपको, तो पासवर्ड आपको दिखेगा नहीं, लेकिन वो टाइप हो रहा है। ठीक है, तभी मेरे पास अगेन पासवर्ड का आया ऑप्शन, तो आपने पासवर्ड दे देना है और अगेन पासवर्ड आपने लिख देना है, वही सेम पासवर्ड, और एंटर करेंगे। एंटर जैसे ही आप करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आपका जो पासवर्ड है क्या यही पासवर्ड आप रखना चाहते हैं या फिर आपने कोई और पासवर्ड रखना है। तो यहाँ पे आप अगर यही रखना चाहते हैं तो वाई कर दीजिए, अगर नहीं है तो कैपिटल एन आपने प्रेस करना है और पासवर्ड दोबारा से सेट कर देना है। ठीक है, वाई करेंगे, एंटर करेंगे। जैसे ही एंटर करेंगे तो आपके पास सुपर यूजर क्रिएटेड सक्सेसफुली ये कमांड यहाँ पे आपके पास शो करेगी, यानी कि ये चीज आपको, लाइन आपको दिख जाएगी क्रिएट सुपर यूजर सक्सेसफुली। तो जैसे ही आपको ये सुपर यूजर क्रिएट सुपर यूजर सक्सेसफुली शो हो जाएगा, इट मीन्स आपका जो है यूजर नेम और पासवर्ड वो बन गया है, आपने यूजर नेम और पासवर्ड डेटाबेस का सेट कर दिया, एडमिन पेज का सेट कर दिया है। तो अब आपने क्या करना है, एडमिन पेज पे आना है आपने, और यहाँ पे आपने एडमिन, जैसे कि मैंने रखा है एडमिन यूजर नेम और एडमिन भी पासवर्ड है इसका, और लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने से पहले आपने एक बार सर्वर ऑन कर लेना है, क्योंकि आप
हमने सर्वर ब्रेक किया हुआ है, तो अभी सर्वर ऑन कर लेते हैं। सर्वर ऑन करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास पोर्ट तभी चलेगा, तो सर्वर ऑन कर लेना है। अब आपने करना है लॉगिन द्वारा से कंटिन्यू। अब आप आ जाएंगे डेंगू एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेशन पेज के ऊपर। तो ये आपका डेटाबेस का पेज है जिसके अंदर आपके पास दो टेबल ऑलरेडी बने हुए हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। और ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास यहाँ पे आप देखेंगे तो ग्रुप्स का टेबल, जिसके अंदर आपके पास कोई भी ग्रुप नहीं है अभी तक, हमने नहीं शो होगा। और यूज़र के अंदर आप जाओगे तो यूज़र के अंदर आपके पास यहाँ पे एक जो है एडमिन का टेबल, मतलब एडमिन यूज़र जो है वो ऐड होके दिखेगा, जो कि हमने अभी अभी बनाया है। अपना क्रिएट सुपर यूज़र एडमिन हमने बनाया है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। पासवर्ड इसका दिया हुआ है, यूज़र नेम दिया, आप इसमें पर्सनल डिटेल इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, ईमेल आईडी, जैसे मैंने आपको बोला था ईमेल एड्रेस आप बाद में भी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो आप यूज़र नेम और फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस दे सकते हैं यहाँ पे, और इसको सेव कर सकते हैं, डेटा को सेव करके और सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या होगा, एडमिन जो है वो सेव हो जाएगा। एडमिन ऑलरेडी सेव है, मतलब आप जब भी आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास एडमिन का टेबल जो बन के आएगा। और आप इसके अलावा और एडमिन भी आप बना सकते हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। तो इसके आप यहाँ पे देखो विजिट साइट के अंदर आपने जाना है, व्यू साइट के अंदर जाना है, तो व्यू साइट चेंज पासवर्ड करना है, लॉग आउट करना है, तो यहाँ से आप ऊपर से कर सकते हैं। तो ये आपका एडमिन पेज है आपकी ज़ेंगो का। तो इसके आप इस तरीके से क्रिएट सुपर यूज़र कमांड देके आप एडमिन पेज के अंदर आ सकते हैं और अपना सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने ये क्या किया, हमने डेटाबेस बना लिया है, डेटाबेस का यूज़र नेम और पासवर्ड सेट कर लिया है। अब हम मॉडल्स बनाएंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, मॉडल्स और व्यूज बनाएंगे। तो वह आप आने वाली वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम मॉडल्स और व्यू बना के, मॉडल्स के अंदर क्या होता है, टेबल्स बनते हैं, और मॉडल्स जो टेबल हम बनाते हैं वो यहाँ पे आपके डेटाबेस के अंदर शो होते हैं। तो वो टेबल्स हमने किस तरीके से बनाना है, जैसे आप कोई रजिस्टर पेज या लॉग, यहाँ पे कॉन्टेक्टर्स पेज है हमारे पास, कॉन्टेक्टर्स पेज पे आप कोई फॉर्म बना रहे हैं कॉन्टेक्टर्स का, तो वहाँ वो जो आप फील्ड रखेंगे वो आप रखेंगे, फील्ड के अंदर जो डेटा जाएगा वो किस पेज पे जाएगा, आपके इस एडमिन पेज के अंदर जाएगा, जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास होगा क्योंकि आप सुपर यूज़र क्रिएट करेंगे कमांड से। तो ये सारी चीज़ें हम आगे करेंगे इसके साथ, मॉडल्स और व्यूज के साथ वर्क। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारी यूट्यूब चैनल विप्रो टेक डिजिटल के साथ।